नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आखिर लगभग 5 महीने से ज़्यादा समय जेल में बिताने के बाद जमानत दे दी। उनके जेल से निकलने की जो खुशी पूरे आम आदमी पार्टी में जश्न मनाकर किया जा रहा है। सारे नेता प्रसन्न हैं, भावुक हैं। स्वयं अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकले तो तिहाड़ के बाहर उन्होंने जो लोगों से संबोधन किया वह भी काफ़ी मार्मिक था, भावुक था। उन्होंने कहा कि मेरे देश के लिए मेरी जो सेवा है वो हमेशा हाजिर होगी, मेरे शरीर का खून और पूरा रोम रोम देश के लिए हाजिर है, और चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो मैं यह काम अपना करता रहूँगा, मुझ पर कितनी भी यातना हो, कष्ट हो, मैं सबको भुलाकर देश के लिए काम करता रहूँगा। उससे पहले पूरे दिन भर जो रस्साकसी चली राजनीतिक तौर पर उसकी बातें करते हैं। यहाँ दो जजों के बेंच ने जो उनकी जमानत पर सुनवाई कर रहे थे उसमें से एक जज ने यह कहा कि जो CBI की जो अरेस्टिंग थी जो केजरीवाल की, वो जायज थी, लीगल थी और प्रोसीजर को फॉलो करके किया गया था। वहीं दूसरे जस्टिस जो उज्जवल भुइयां थे उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जो CBI ने अफरा तफरी में अरेस्ट किया उसमें कई सवाल खड़े होते हैं, और जो CBI की जो भूमिका है, जो लोग कहते हैं कि पिंजरे में बंद तोते वाली बात है, उस धारणा को ख़त्म करने के लिए CBI को अपनी छवि सुधारनी होगी। अब पूरे दिन भर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं में इसी बात की चर्चा हुई कि दोनों जजों के स्टेटमेंट को दोनों अपने अपने तरीके से एनालाइज करते रहे। संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया ने सारे लोगों ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, और किसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की जो चुकू चक्र था उसको दमन करने के लिए, आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए और चुनावों में जो बेनिफिट लेने की बात थी, आज जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि संविधान सबसे ऊपर है और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसको फॉलो करके ही देश को चलाया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरह से जो बेल मिली है उससे यह साबित नहीं होता है कि उन पे जो चार्जेस लगे हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, वो बेल पर हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो सशर्त जमानत मिली है उसके बारे में विजेंद्र गुप्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की वो काफ़ी मायने रखता है। सब लोगों ने कहा कि अभी अरविंद केजरीवाल सशर्त बाहर आए हैं और उसमें जो मुख्य शर्तें हैं कि वो CM ऑफिस नहीं जा सकते, किसी फाइल पे दस्तखत तभी कर सकते हैं जब LG की सहमति होगी। यानी कि केजरीवाल एक व्यक्ति के रूप में बाहर आए हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे उनका कार्य करना अभी मुश्किल है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसे अपनी जीत समझती है। उनके सामने अभी हरियाणा का चुनाव है और उन्हें यह खुशी है कि अरविंद केजरीवाल के रहते जो हरियाणा का जो चुनाव होगा वो काफ़ी दमदार होगा, प्रभावशाली होगा, और जनता में एक भावुक अपील भी करेंगे जो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद होगी। एक ताकत जो खोई हुई थी वो आम आदमी पार्टी में आई है और सारे नेता उत्साहित हैं, उनके कार्यकर्ता उत्साहित हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद आज दो धड़े अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात है कि राजनीतिक तौर पे इसको ना लिया जाए। न्याय प्रक्रिया अपनी जगह पर है और राजनीतिक जो दावपेच होते हैं अपनी जगह पर। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।